हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रॉयल एनफील्ड केटीएम और हीरो के बाद होंडा यहाँ पे कैसे पीछे हट सकता था, तो होंडा ने भी यहाँ पे एक नए एडवेंचर रोड बाइक को लॉन्च किया जिस बाइक का नाम है होंडा CB200X। ये वाली बाइक है होंडा की तरफ से पहली ऐसी एडवेंचर रोड बाइक है। ये वाली बाइक की ऑलरेडी लॉन्चिंग हो चुकी है, 19 अगस्त को इस बाइक का लॉन्चिंग हो गया था और बहुत जल्दी हमें ये आउटलेट्स में देखने को मिलने वाली है एंड बहुत जल्दी इंडियन रोड्स पर भी हमें ये देखने को मिलने वाली है। तो ये वाली जो बाइक है ये होंडा की तरफ से पहले एडवेंचर टूरा बाइक है। तो हम आज इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि बाकी सारी जितनी भी एडवेंचर टूरा बाइक मार्केट में अभी तक अवेलेबल है, क्या ये उनसे अच्छी है या फिर नहीं, क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है और किस प्राइस पॉइंट पे आती है। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इस बाइक की ऑलरेडी लॉन्चिंग हो चुकी है, 19 अगस्त को इस बाइक का लॉन्चिंग हुआ था और ये वाली बाइक इंस्पायर्ड है विद दी होंडा CB500X एंड विद दी होंडा CB190X। और ये जो स्टैंड ये प्रॉपर इसी की कॉपी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक हॉर्नेट 2.2 का भी एक ट्रू इंस्पिरेशन के साथ आती है ये वाली बाइक। इसमें आपकी जितनी भी सारी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं अगर उन सारे को आप हटा दोगे तो अंदर से ये हॉर्नेट 2.2 ही निकल के आने वाली है। एंड बहुत सारी चीज़ या फिर मैं अगर बोलूँ तो 80% चीज़ ये होंडा हॉर्नेट 2.0 से ही शेयर करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्रंट में जो हेडलाइट्स है, जो इंडिकेटर्स है, जो स्विच गियर्स है, वो सारी कुछ इसमें हॉर्नेट 2.0 की ही लगी हुई है। तो हेडलाइट का मतलब ये है कि इसकी इल्यूमिनेशन भी सेम होने वाली है और मैंने हॉर्नेट 2.0 की हेडलाइट की एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू मैंने बना दिया था। तो यहाँ पे आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके वो वीडियो देख लेना ताकि आप लोग का एक बेहतर अंदाजा मिल पाएगा कि इसकी जो हेडलाइट है उसकी इल्यूमिनेशन कैसे होने वाली है। यहाँ पे अगर बात करें इस गाड़ी के इंजन के बारे में तो यहाँ पे आपको 184cc का फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलती है जो कि 17 BHP की पावर जनरेट करती है एंड 60 Nm का आपको टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे 5-speed ट्रांसमिशन दिया गया, यहाँ पे अगर 6-speed देते तो वो अच्छी बात होती क्योंकि हिमालयन को छोड़ के बाकी सारी गाड़ियों में हमको 6-speed ट्रांसमिशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर 6-speed होता तो एक अच्छी बात हो जाती। यहाँ पे अगर हम बात करें इस गाड़ी की ओवरऑल इंजन पावर या फिर परफॉर्मेंस के बारे में तो परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि इस गाड़ी के स्टैंड्स पूरी डिफरेंट है। तो हो सकता है कि जो पावर आउटपुट है या फिर जो पावर डिलीवरी है उसमें 19-20 का हमें यहाँ पे फर्क देखने को मिले। अब यहाँ पे मैं जब इस गाड़ी को चलाऊंगा तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे बात करेगा इस गाड़ी की ब्रेकिंग सेटअप के बारे में तो यहाँ पे फ्रंट और रियर दोनों में आपको डिस्क देखने को मिलती है। फ्रंट में आपको 276mm की डिस्क है और रियर में आपको 230mm की डिस्क है। प्रॉब्लम यहाँ पे बस ये है कि इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है जो कि एक बहुत ज्यादा डाउनसाइड है। एडवेंचर टूरा बाइक में डुअल चैनल ABS होना चाहिए और मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट अपडेट में या फिर आने वाले कुछ टाइम में हमें यहाँ पे देखने को मिले। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाली बाइक अभी बस एक ही वेरियंट में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड वेरियंट, कोई और अदर वेरियंट नहीं अभी तक आया है। लेकिन मैं अगर होंडा की सारे लाइनअप्स की तरफ अगर हम देखें तो उसमें आपकी जितनी भी सारी बाइक्स है वो पहले स्टैंडर्ड एडिशन में लॉन्च होती थी एंड कुछ टाइम के बाद रेपसोल एडिशन में आता था वो गाड़ी जो कि स्पेशल एडिशन के नाम पे आता है। तो यहाँ पे भी हमें इस वाली गाड़ी में ऐसा देखने को मिल सकता है, हालांकि कुछ अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है होंडा की तरफ से, लेकिन होपफुली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ टाइम में रेपसोल एडिशन जिसमें और भी कुछ अदर फीचर्स एड ऑन होंगे। वहीं पर अगर हम बात करें इस गाड़ी के सस्पेंशन सेटअप के बारे में तो जैसा कि आपको हॉर्नेट में USD फोक्स और मोनोशॉक वाला कॉम्बिनेशन के साथ सस्पेंशन मिलता है, वहीं आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको USD फोक फ्रंट में देखने को मिलेगी एंड पीछे में आपको मोनोशॉक टाइप सस्पेंशन देखने को मिलेगी। सिंगल सीट होने वाली है एंड सस्पेंशन की जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफर करेगी हॉर्नेट 2.0 से क्योंकि स्टैंड्स प्रॉपर डिफरेंट है और हैंडल थोड़ा रेज्ड है। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो सस्पेंशन सेटअप दिया गया है गाड़ी का ये थोड़ा बहुत हमें डिफर करे हॉर्नेट 2.0 से, और 19-20 का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। कुछ मेजर डिफरेंस हमें यहाँ पे नहीं पता चलने वाला है क्योंकि यूनिट दोनों में ही सेम लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाली गाड़ी के टायर सेटअप के बारे में तो टायर इसमें आपको बहुत ज़्यादा वाइडर टायर्स देखने को मिलते हैं और जो कि आपकी बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात भी है। एडवेंचर टूरा बाइक में आपको एक वाइडर टायर होना एक अच्छी बात हो जाती है ग्रिप के मामले में या फिर स्टेबिलिटी के मामले में, तो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें इस गाड़ी की फुल टैंक कैपेसिटी के बारे में तो 12 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। एंड माइलेज की तरफ देखें तो माइलेज हॉर्नेट की तो बहुत अच्छी है, बहुत इंप्रेसिव माइलेज है। तो ऐसे ही कुछ माइलेज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल सकता है, वो हमें नहीं भी देखने को मिले, बट लेट्स सी क्या होता है रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्मेंस देती है इसके माइलेज को लेके। और यहाँ पे जो गाड़ी की वेट है वो 147 किलो की बताई जा रही है जो कि हॉर्नेट की भी लगभग उतनी ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स क्योंकि इसमें ऐड हुए हैं तो हो सकता है कि इस गाड़ी की वेट थोड़ी बढ़े। यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाली गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो यहाँ पे आप 167mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि अगर आप इसके जितने भी कंपेटिटर्स हैं अगर उनके तरफ अगर आप देखोगे तो चाहे वो हिमालयन होगी या KTM की 250 या 390 एडवेंचर या फिर एक्सपल्स, चारों गाड़ियों में ही आपको 200+
या फिर 200 का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग लगा था मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप एक एडवेंचर टूर बाइक ले रहे हो तो, क्योंकि उसमें आप आराम से एडवेंचर करोगे और अगर लो ग्राउंड क्लियरेंस होगा तो वो नीचे लगने की चांसेस ज़्यादा होती है। एंड जो भी आप जब गाड़ी पे बैठोगे या फिर अगर आप कुछ वेट उसके ऊपर लगाओगे तो वो और गाड़ी थोड़ी नीचे हो जाएगी, तो ग्राउंड क्लियरेंस वहाँ पर भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस वजह से ये थोड़ा सा मुझे डाउनसाइड लगा था। तो यहाँ पर होंडा को ये एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें इस गाड़ी कुछ फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी है बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो स्टैंडर्ड फीचर्स आते हैं वो सारे कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। हज़ार्ड लाइट आपको देखने को मिलेगी, एलईडी लाइट आपको देखने को मिलेगा, इंडिकेटर्स एलईडी है, टेल लाइट एलईडी है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यूएसडी फोक्स देखने को मिलते हैं जो कि इस प्राइस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता है कि और कोई बाइक्स में आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली गाड़ी आपकी डायरेक्ट कम्पीट करने वाली है विद दी KTM 390 एडवेंचर और 250 एडवेंचर, हीरो एक्सपल्स एंड विद दी रॉयल एनफील्ड हिमालयन। और देखते हैं कि अब रियल वर्ल्ड में जब ये प्रॉपर चारों पाँचों गाड़ी का जब कंपेरिजन होगा तो कौन सी सबसे आगे होने वाली है। ऐसा कि मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे हिमालयन और 390 एडवेंचर, उसके बाद एक्सपल्स, उसके बाद होंडा, ये मुझे ऐसा लगता है। अब आप लोग मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको क्या लगता है। यहाँ पे बात करेंगे हम इस वाली गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे 1.60 से लेके 1.70 लाख तक इस गाड़ी का प्राइस पॉइंट रखा गया है। और ये जो नॉर्मल हॉर्नेट आती है उससे 30,000 या फिर 40,000 का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स भी यहाँ पे ऐड ऑन हुए हैं, जैसे कि विंडशील्ड बहुत ज़्यादा लंबी है और एक प्रॉपर मतलब आपको एक एडवेंचर टूर बाइक आपको यहाँ पे फील देने वाली है। बट लेट्स सी कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है ऑन द रियर वर्ल्ड। फीचर्स वाइज तो ये अच्छी लग रही है, उतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं उतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं, मतलब ठीक ठाक लग रही है। अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या आपको क्या लगता है कि ये वाली जो बाइक है ये अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगी नहीं दे पाएगी, या फिर इन चारों जितनी भी अदर एडवेंचर टूर बाइक अभी है मार्केट में उनसे अच्छी परफॉर्मेंस है या फिर नहीं, या फिर क्या आपको सोचते हो इस वाली बाइक के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताना। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा और यहाँ पे नीचे में भी आपके शो हो रहे होंगे और मैं वहाँ पे डेली अपडेट्स देते रहता हूँ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज अचमोटो वर्ल्ड साइनिंग ऑफ।